बस्सी इलाके में 27 दिसंबर को एक व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर केस में डॉग स्क्वाड टीम के खोजी कुत्ते ने पुलिस को कातिल के घर तक पहुंचाया है। इस अहम सुराग के मिलने के बाद पुलिस ने साइबर सेल और मुखबिर की मदद से हत्या की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी और उसके नाबालिग साथी को गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल 27 दिसंबर को बस्सी इलाके में गोने रोड पर शमशान घाट में एक मंदिर के चबूतरे पर लहूलुहान हालत में एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद सामने आया कि मृतक का नाम रामावतार उर्फ भगवान था। वह बिहार का रहने वाला था। लंबे वक्त से बस्सी रिको एरिया में मजदूरी करता था। 27 दिसंबर की शाम को ही उसे दो व्यक्तियों के साथ शराब पीते देखा गया था। तब पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहली यही थी कि वे दोनों लोग कौन हैं। उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। तब मौके पर पहुंची बस्सी पुलिस ने FSL और डॉक्सकार टीम को घटनास्थल पर बुलाया। एडिशनल DCP मनोज चौधरी ने बताया कि मृतक राम अवतार आरोपी सुरेश उर्फ सूरज लुहार और नाबालिग अपचारी ने 27 दिसंबर को साथ बैठकर शराब पी थी। एक और शराब की बोतल खरीदने के लिए राम अवतार से रुपए मांगे तो उसने इनकार कर दिया। तब कहा सुनी होने पर राम अवतार ने सुरेश उर्फ सूरज लुहार को लात मार दी। इसका बदला लेने के लिए सूरज लुहार ने शमशान घाट में पड़ी मोटी लकड़ी से ताबड़तोड़ वार कर राम अवतार के पैर तोड़कर जख्मी कर दिए। उसे घसीटते हुए मंदिर के चबूतरे पर पटक दिया, जहां उसकी मौत होने पर फरार हो गया। आपको बता दें कि दोनों आरोपी 3 दिन के रिमांड पर है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोमवार 28 तारीख को हमें सुबह जानकारी मिली थी। उस जानकारी के अनुसार भूमिया जी का मंदिर बस्सी में, वहां पे एक मृत व्यक्ति पड़ा था और वहाँ पर तुरंत पुलिस पहुँची, उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाया था रिको के माध्यम से। वो व्यक्ति बिहार का युवक निकला था। उसके बाद में हमने लगभग 4 टीमें बनाई थी। 4 टीमें बना करके टेक्निकली जो हमारे ईस्ट सेल जयपुर ईस्ट के हैं उनके सहयोग से CDR विश्लेषण किया, और CDR विश्लेषण करके फिर हमने लगभग एक अपराधी का हमें पता चला था। उस वक्त स्थानीय लोगों ने भी हमें काफ़ी मदद की थी इसमें। और उसके रात को लगभग बगरू क्षेत्र से हमें जाकर के वो व्यक्ति मिला था। उससे पूछताछ करने पर एक और अपराधी का पता चला, उसको भी डिटेन किया गया है, जो कि विधि संघर्ष बालक है।